हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू कंटिन्यू अवर चैप्टर यूनिट टू, हाउ थिंग्स वर्क। इन माय लास्ट पीरियड आई हैड कंप्लीटेड एक्टिविटी 5। नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 6। सो लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ये चित्र देखो, इसमें पानी का बूंद है, ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का बूंद। वर्क विद अ ग्रुप और पार्टनर टू यूज द इंफॉर्मेशन इन हाउ डज इट डू टू डू दैट। आप पार्टनर के साथ काम करो और इंफॉर्मेशन आप ले लो कि ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट डू, ये कैसे होता है। टू एक्सप्लेन वाई द क्लोथ अंडर द ड्रॉप लुक्स बिगर देन द क्लोथ नेक्स्ट टू द ड्रॉप। देखो, ड्रॉप के ये जो ड्रॉप पड़ा है, ये ड्रॉप के नीचे जो क्लोथ कपड़ा पड़ा है, वो कपड़ा पानी में से बड़ा क्यों दिखाई देता है। एक्सप्लेन why द क्लोथ अंडर द ड्रॉप लुक्स बिगर देन द क्लोथ नेक्स्ट टू द ड्रॉप। मतलब ड्रॉप के जो नीचे जो कपड़ा दिया है, वो कपड़ा क्यों बड़ा दिखाई देता है बूंद में से। When you and your group agree on a clear explanation for how the drop makes the cloth bigger, write your explanation in your words। तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है तो कैसे वो बड़ा दिखाता है, कैसे बड़ा दिखाई देता है, हाउ डज इट डू दैट, वो कैसे होता है। द ड्रॉप मेक्स द क्लॉथ अंडर इट अपियर बिगर बिकॉज, बड़ा दिखाई देता है क्योंकि द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द क्लॉथ शुड हैव मैग्निफाइड द एरिया। द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द क्लॉथ, क्लॉथ के ऊपर जो पानी का बूंद है, वो क्लोथ शुड हैव अ मैग्निफाइड द एरिया। तो इतना एरिया मैग्निफाइड होता है, क्या होता है, मैग्निफाइड दिखाई। एंड इट हैज कवर्ड, और वो कर्व्ड होता, मतलब वक्र हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द ड्रॉप हैड कवर्ड अपर सरफेस। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो पानी का बूंद है उसके ऊपर की जो सरफेस है, उसके ऊपर की सरफेस वो वक्र हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है। एंड द बॉटम एंड द फ्लैट बॉटम वॉज ट्रांसपेरेंट, और जो नीचे की जो सपाटी है वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक हो जाती है। द शेप बेंड्स द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। द शेप बेंड्स द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर इट इन मच द सेम मैनर एज अ ग्लास मैग्नीफाइंग लेंस विद द शेप। और जो शेप है वो क्या होता है, मैग्नीफाइंग होता है, इतना एरिया क्या होता है, मैग्नीफाइंग, उसकी जो लाइट है वो बैंड रिफ्लेक्ट होती है। तो द स्मॉलर द ड्रॉप ऑफ वाटर द ग्रेटर द कर्वेचर ऑफ द अपर सरफेस। जितना बूंद छोटा है लेकिन उसका जो कर्वेचर है, मतलब जो वक्रता, वो बड़ी हो जाती है। द अपर सरफेस एंड ग्रेटर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर नेट, और नीचे जो ऑब्जेक्ट दिया है वो मैग्निफिकेशन की वजह से वो मैग्निफाइंग होके वो बड़ा दिखाई देता है। द लार्जर ड्रॉप कैन नॉट मैग्नीफाई एज मच बिकॉज देयर वॉज नॉट एज मच ऑफ कर्व इन द लार्जर ड्रॉप। लार्जर ड्रॉप मतलब बड़ा ड्रॉप होता है, वो मैग्नीफाई इतना होता नहीं जितना कि वो ड्रॉप लार्जर होता है, इतना कर्विंग होता नहीं है। ऑल दो द स्मॉलर ड्रॉप्स मैग्नीफाई मोर, और ज़्यादा करके जो छोटा ड्रॉप होते हैं वो ज़्यादा मैग्नीफाई होता है। सो देयर वॉज लेस एरिया डैट कुड बी सीन, इसलिए जो
एरिया लेस कम है वो दिखाई देता है, लेस एरिया दैट कुड बी सीन, मतलब वो लेस छोटा एरिया है वो हम देख सकते हैं। हियर एक्टिविटी सेवन यूजुअली अम्ब्रेला कीप पीपल ड्राई बट लिटल गर्ल इन जापान इन्वेंटेड एन अम्ब्रेला डैट स्प्रेस वाटर ऑन द पर्सन हु कैरीज इट। देखो हम जनरली ड्राई रहने के लिए, सूखे रहने के लिए बारिश की मौसम में, मानसून में हम अम्ब्रेला छाता का यूज़ करते हैं। बट अ लिटल गर्ल इन जापान, लेकिन जापान की एक छोटी बच्ची, उसने एक ऐसी अम्ब्रेला की इन्वेंशन की, ऐसी खोज की है डैट स्प्रेज वाटर, जो यहाँ से बटन होता है, पानी भरा होता है तो स्प्रे होता है, अंदर होलो होता है तो स्प्रे होता है ऑन द पर्सन हु कैरीज इट, मतलब जो पर्सन ये अम्ब्रेला लेके जाता है उसको ज़्यादा गर्मी हीट लगती है तो अंदर बटन स्प्रे करता है तो इसमें से पानी की बूंदे आती है। सी वॉन्टेड एन अम्ब्रेला टू कीप पीपल स्टे कूल इन वेरी हॉट वेदर। देखो गर्मी में, गर्मी के सीजन में उसने लोगों को ठंडा रहने के लिए, कूल करने के लिए ऐसी अम्ब्रेला का इन्वेंशन किया है। पीपल हु वर्क आउटसाइड इन द सन लाइक द लिटल गर्ल्स आइडिया एंड बाय हर रेनिंग अम्ब्रेला, और जो लोग गर्मी में काम करते उसके लिए उसने ऐसा इन्वेंशन किया है, ऐसी साता के जिसमें पानी बूंद, पानी की बूंद यहाँ से गिरती है और इंसान को गर्मी में भी बिल्कुल कंफर्टेबल, ठंडी का अरे सॉरी अच्छा महसूस होता है, इसको बोलते हैं रेनिंग अम्ब्रेला। द रेनिंग अम्ब्रेला वॉज इन्वेंटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये रेनिंग अम्ब्रेला सभी गर्मी की समस्या को सॉल्व करने के लिए बनाया। तो व्हाट वॉज द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या था, वैन देयर इज अ एक्सट्रीम हीट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पीपल फेस प्रॉब्लम्स रैगिंग फ्रॉम हीट स्ट्रॉक, तो लोगों को ये गर्मी के जो गर्म वेव्स होते हैं, गर्मी के स्ट्रॉन्ग वेव होते हैं हीट वेव, उसका सामना करना पड़ता है। एट हीट एग्जिस्टन मतलब बहुत गर्मी से सब कंट्रोल जाते, थक जाते हैं। एंड अदर टाइप्स ऑफ हीट इलनेस, और बहुत सारी गर्मी की बीमारियां होती है। देयर आर कॉमन अक्यूरेंस इन हॉट वाटर सॉरी हॉट वेदर, दीज आर कॉमन अक्यूरेंस इन हीट हॉट वेदर, और गर्मी की ये जो सीजन है उसमें ये कॉमन हो जाता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू सेव अवर सेल्व्स फ्रॉम डायरेक्ट हीट ऑन द सन, ये समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको अपने आप को डायरेक्ट सन की गर्मी से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। एनी अम्ब्रेला विल सर्व द पर्पज, हर एक अम्ब्रेला को अपने कुछ ना कुछ तो पर्पज होते हैं। बट द मिस्टिंग अम्ब्रेला विल स्प्रे कोल्ड वाटर सो वी विल फील क्वाइट कंफर्टेबल इन द सर्वर हीट, मतलब ये ज़्यादा करके बढ़ती हुई गर्मी से बचने के लिए ये जो अम्ब्रेला मिस्टिंग अम्ब्रेला है वो हमको क्या करती है, उसके अंदर से जो पानी गिरता है इसकी वजह से इंसान को ठंडा रखती है। तो ये था इन्वेंशन, एक छोटी सी बच्ची का, जापान की छोटी सी बच्ची का इन्वेंशन, मतलब ऐसी स्प्रे वाली, पानी का जो स्प्रे गिरता है इससे इंसान को ठंडा रखता है और गर्मी में, गर्मी से बचाता है। तो दोस्तों ये भी एक कंफर्टेबल अम्ब्रेला है और वो एक इन्वेंशन है। सो फ्रेंड्स हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटीज 7 ऑल्सो एंड वी विल कंटिन्यू, ओके वी विल कंटिन्यू एक्टिविटी 8 and 9 इन अवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।